नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में आज 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होनी है, वोटिंग होनी है। लेकिन इस वोटिंग से पहले किस तरह की राजनीति, किस तरह का प्रेशर क्रिएट करने की बीजेपी की तरफ से एक कोशिश हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। क्रोनोलॉजी क्या है कि किस तरह से बंगाल के अंदर किसान नेताओं ने यह ऐलान किया था कि सरकार बंगाल में है, इसलिए हम बंगाल में जाकर के सरकार को ढूंढेंगे भी, और साथ ही साथ बंगाल के लोगों को बीजेपी की मौजूदा जो सरकार है, उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम केवल बीजेपी की, क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी है इसीलिए बीजेपी की। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की हम सच्चाई बताएंगे कि वो इसको वोट क्यों दे और क्यों ना दे। लेकिन किसानों के इस प्रेशर से बीजेपी सरकार किस तरह से बौखलाई हुई है, यह सबके सामने आ गया। किसान नेताओं की बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिरफ्तारी किया जाना, क्या आपको लगता है कि यह लोकतंत्र में सही है? क्या अब किसान नेताओं को यह हक भी नहीं रहा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह सके? वैसे साहब तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, 6 साल से ऊपर का वक्त हो गया है और अब मई में 7 साल पूरे हो जाएंगे, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बहरहाल, किसान नेता यदुवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं और वो अहमदाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको किस तरह से वहां से उठाया जाता है और उसके बाद में उनको गाड़ी में डाल करके किस तरह से ले जाया जाता है, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बात को समझिए कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि एक दिन पहले जो है शाम को, कल दोपहर को जो है ये गिरफ्तारी होती है और आज जो है वो वोटिंग होनी है, तो क्या वोटिंग से पहले जो है ये बंगाल के लोगों को एक डर दिखाने की कोशिश है कि देखिए आप जिनके सहारे पर मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, हमने उनका क्या हाल कर दिया है? क्या ये एक उदाहरण आप पेश करना चाह रहे हैं? बड़ा सवाल ये है, मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार लगातार उस पर ही आरोप लगते रहे कि वो तानाशाह है। क्या इस तरह से मोदी सरकार बंगाल जीतना चाहती है? और क्या इन मुद्दों को लेकर के, ये इन खौफ को लेकर के बंगाल की जनता जो है उसके पक्ष में वोट करेगी? ये सारे बड़े सवाल हैं, इन सवालों का भी उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के महासचिव यदुवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यदुवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद में एक बवाल खड़ा हो गया और जाहिर तौर पर वो होना ही था क्योंकि आपने काम ऐसा ही किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जो है बंगाल की जनता इस प्रेशर में आएगी? इस बात का जवाब भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको राकेश टिकैत को सुनाते हैं। राकेश टिकैत जो लगातार ये बात कहते रहे पूरे किसान आंदोलन के दौरान कि गुजरात एक कैद में है, गुजरात को आजाद करवाना है। राकेश टिकैत बार बार इस बात को कहते रहे और उनकी इस बात का कहने का मायना क्या था, वो कुछ कुछ जो है वो आज समझ में आ रहा है। क्योंकि आप कहीं पर जाकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए तो फिर वाकई जो है वो आजादी कहां है, ये तो सवाल पूछा जाएगा।
और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं पर ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसी सार्वजनिक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि जहां पर नहीं की जा सकती हो। एक कमरे के अंदर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, मीडिया के लोगों को बुलाना चाहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके अंदर से आपको उठाना जाए, तो फिर क्या आपको लगता है कि वाकई गुजरात आजाद है? जो बात लगातार राकेश टिकैत कहते रहे हैं इस किसान आंदोलन के दौरान। राकेश टिकैत ने यदवीर सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर क्या कुछ कहा है, एक बार आप ये भी सुनिए। जो चौधरी युद्धवीर सिंह है, जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहां से प्रेस के बीच में से पुलिस लेकर गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं, गुजरात पूरा आजाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है, ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है। ये हालात जो आज गुजरात में है, पहली पूर्ण कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे की हुई और प्रेस होते हुए मीडिया के सामने उनको बीच में से उठा के ले जाया गया। किसान नेताओं ने अपने पक्ष रखे और किसानों ने मजबूती के साथ में कहा कि सरकार जो मर्जी करे लेकिन हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, हम बंगाल के लोगों को इसी तरह से जगाने का काम करेंगे और जहां जहां पर और दूसरे राज्यों में, 5 राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर भी हम सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, नो वोट टू बीजेपी, कोई वोट बीजेपी को नहीं, ये उनकी तरफ से कैंपेनिंग चलाया गया है। नो वोट टू बीजेपी जो है वो हम जारी रखेंगे, ये किसान नेताओं की तरफ से कहा गया। अब पुलिस का इस पर पक्ष क्या था? पुलिस ने कहा कि इनके पास में परमिशन नहीं थी, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनको छोड़ दिया। और उसके बाद में जो है शंकर वाघेला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, उनके साथ में यदवीर सिंह ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? सवाल ये है क्योंकि अगर आपकी मनसा केवल इतनी भर थी कि इनके पास में परमिशन नहीं थी और उसके बगैर जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होने नहीं देना चाहते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूसरे तरीके से भी रुकवाया जा सकता था। लेकिन इस तरह से जबरदस्ती वहां से गिरफ्तार किया जाना, गिरफ्तार करके बख्तरबंद गाड़ियों में आपको लेकर के जाना, यह साफ संदेश है कि आपकी मनसा जो है वो कुछ और थी। आपकी मनसा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां तक ये तस्वीरें पहुंचे। वो तस्वीरें जरूर पहुंच रही है, ये तस्वीरें जो अहमदाबाद में हुई वो तस्वीरें जो हैं वो बंगाल के लोगों तक जरूर पहुंची हैं। और आज बंगाल के मतदाता जो है 30 सीटों पर, विधानसभा की 30 सीटों पर आज वोट डालेंगे और बंगाल के लोग जो हैं आज बटन के जरिए बताएंगे कि वो जो है क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली रही है उससे खुश हैं, उसके कामकाज से खुश हैं, उसके काम करने के तरीके से खुश हैं, या फिर उनको लगता है कि वाकई जो है वो एक कैद में जो है वो देश है, बंगाल है, गुजरात है, उसको जो है वो बीजेपी के तंत्र से, बीजेपी की कार्यप्रणाली से मुक्त करवाना है, इसलिए हमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। क्या बंगाल के लोग जो है ये सोचेंगे, या फिर बंगाल के लोग ये सोचेंगे कि वाकई जो है ये जरूरत है, नया दौर है, नया भारत है और ऐसे में एक नई पार्टी बीजेपी को जो है इस बार बंगाल में मौका दिया जाए। ये तो बंगाल के लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है और बंगाल के लोगों की जो सोच होगी, बंगाल के लोग वोट करके जब निकलेंगे तो वो क्या कुछ कह रहे होंगे, वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आज दिन भर आपको पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो पहुंचाते रहेंगे। इसलिए दिन भर की आज कवरेज के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के साथ में जुड़े रहिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।